गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब की है फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल डिप्लॉइड सेल दैट इज नोन एज द जायगोट। तो उसमें से क्या फर्टिलाइजेशन कहने हैं। नेक्स्ट है बेटा अपने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसा आप ऑलरेडी पहला की है डिस्कस किया सीगा कि जो आप कहने फेलोपियन ट्यूब है, फर्टिलाइजेशन की फेलोपियन ट्यूब के अंदर होनी है। और फेलोपियन ट्यूब जरा एम्पूला पार्ट है, नैरोइंग पार्ट जरा है फेलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट का, वो अंदर की फर्टिलाइजेशन जी की अपीरअप होंगी हैगी है। मेल एंड फीमेल गैमेट जी आपस में की है फ्यूजअप होंगे है। उस तो पहला बेटा की है जो स्पर्म्स है उन्होंने कहना कि फेलोपियन ट्यूब तक कि पास ऑन करना है, जिस के दौरान की हैगा कि इनसैमीनेशन प्रोसैस अपीरअप होंगे है। तो उसमें असं कहने अराइवल ऑफ द स्पर्म। तो जो आप कहने है कि पॉपुलेशन अपीरअप होंगी हैगी है, जरा मेन जेनिटेलिया है, मेन जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, पीनस है, वह कहना की आ कि स्पर्म्स है उन्होंने की आ फीमेल वजाइना के अंदर की थ्रो डाउन करता है। और सिंगल इजैकुलेशन के दौरान की होंगे है 200 तो लैके 300 मिलियन जो स्पर्म्स है फीमेल वजाइना के अंदर जोड़े की आ एंटर करते हैं। लेकिन सारे के सारे जो आप कहने स्पर्म है वो कहना कि फेलोपियन ट्यूब तक पास ऑन नहीं कर सकते है। कारण की हैगा कि जिदे 40% तो पोटेंट होंगे है, जोड़े बहुत ज़्यादा आप कहने विगरस होंगे है, ज़्यादा ताकतवर होंगे ने। लेकिन 60% जोड़े की आ डाई ऑफ कर जाते हैं जदों कहना कि आ पॉपुलेशन के दौरान इजैकुलेशन के दौरान जोड़े स्पर्म्स है वजाइना के अंदर एंटर करते हैं, तो 60% जोड़े की वजाइनल सिक्रीशन के नाल एस्टी जोड़ा कि सिक्रीशन होंगे ने उन्होंने नाल जोड़े की डाई ऑफ कर जाते हैं। कुछ जोड़े आप कहने कि ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे ने वजाइना के अंदर, जिहड़े कहिंदा कि आ 60% जिहड़े कि स्पर्म्स हुंदे ने उहनां नूं कहिंदा कि आ इनगल्फ कर लैंदे हैगे ने। और 40% जिहड़े पोटेंट हुंदे हैगे ने, जिहड़े कहिंदा कि अपना वे लैंदे हैगे ने और फेलोपियन ट्यूब तक जिहड़े कि आ पास ऑन करदे हैगे ने। दूसरी साइड दे उपर बेटा अपने कोल कि आ फीमेल, तो उहदे विच कि आ सेकेंडरी जिहड़ा कि ओसाइट आ अराइव हुंदा हैगा। आपां पढ़िया सीगा कि मेंसुरेशन दे कि आ 40th डे दे दौरान कि आ जिहड़ा सेकेंडरी ओसाइट है उह कहिंदा कि रिलीज़ अप हुंदा हैगा। किस तरीके रिलीज़ होंगे ल्यूटेनाइजिंग जो हारमोनस होंगे है, वो की करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स मैच्योर ग्राफियन फॉलीकल जी कि लेयर उसनों ओवरी की लेयर ब्रेक डाउन करते हैं और सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज़ करते हैं। उस प्रोसैस में ओवुलेशन कहा जाता है। जो कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होंगे है जरा कि फेलोपियन ट्यूब जो कि फिम्बराइज होंगे ने उन्होंने क्या कैप्चर कर दिया ने और उसमें क्या एम्पूला तक जरा कि लैके जा। लेकिन आप नहीं कह सकते कि सेकेंडरी ओसाइट दैट इज़ अ मच्योर ओवम, जो कि मच्योर ओवम है। जो कहना कि फर्टिलाइजेशन होंगी है, फर्टिलाइजेशन का मतलब की है सेकेंडरी ओसाइट के अंदर की आ जरा कि स्पर्म है वह एंटर करता है। जो स्पर्म एंटर करता पेनीट्रेट करता है तो अपना जरा कि न्यूकलीयस आ वो की है जो अपने को लेकर सेकेंडरी ओसाइट वो अंदर की है रिलीज़ कर देता है। जो वो अंदर रिलीज़ होंगे लेकिन कोई भी फ्यूजन नहीं होंगी हैगी, तो एंट्री ऑफ स्पर्म जो कि सेकेंडरी ओसाइट के होंगे है उसनों मच्योर ओवम किया जाता है। तो जी फर्टिलाइजेशन होंगी है वो कहते कि 24 आवर्स के जी कि पॉसीबल हो सकती है। उस तो बाद जो कि सेकेंडरी ओसाइट जो कि डीजनरेट कर जाता है। उस तो बाद कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म आपां गल कीते सी कि जिहड़े स्पर्म्स ने एंटर कर जाते हैं, लेकिन कहिंदा कि उहदी एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स नूं क्या कैपेसिटेशन कहा जाता है। तो एक्टिवेशन किहदे करके हुंदी है, आपां मेल जिहड़ा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे विच वी कीता सीगा कि जिहदे विच कि जिहड़े कि आ मेल दे जिहड़े कि आपां कहिंदे कि सेक्स ग्लैंड्स हैगे ने, उह कहिंदा कि जिहड़ियां सिक्रीशंस प्रोड्यूस अप करदे हैगे ने। जिहड़ियां सिक्रीशंस की करदियां हैगियां ने जिहदे विच सेमिनल वैसीकल दे विच जिहड़ा आपां कहिंदे कि एंजाइम आ उहनूं कहिंदा कि एनर्जी प्रोवाइड करदा, जिहड़ा फ्रक्टोज हुंदा हैगा स्पर्म्स नूं एनर्जी प्रोवाइड करदा फॉर द मूवमेंट वास्ते, स्विमिंग वास्ते। दूसरे बेटा जिहड़े कि हुंदे ग्लैंड्स हुंदे हैगे ने, उह कहिंदा कि न्यूट्रलाइजिंग एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करदे हैगे ने, जिहदे नाल किहड़े कि स्पर्म्स हुंदे हैगे ने जदों वजाइना दे अंदर एंटर करदे हैगे ने, जिहड़े 40% पोटेंट तां ही बणदे हैगे ने।
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਜਾਈਨਲ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਨੀਟੇਰੀਅਲ ਟ੍ਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਜੈਨੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਕਰੋਸੋਮਾ। ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਰੋਸੋਮ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਕਰੋਸੋਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਲ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸਪਰਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਸੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਸਨੂੰ ਕੈਪੀਸੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਈਵੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆ ਓਵਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ ਐਕਰੋਸੋਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਕਰੋਸੋਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਲੋਰੁਨੇਡੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਵਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਰਮ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਐਕਰੋਸੋਮਾ ਕਰੋਨਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਵਮ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੋਡਾ ਲੇਅਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਕਰੋਸੋਮ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਪ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਨਾ ਲਾਈਸਿਨ। ਲਾਈਸਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਨਗਲਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਨਾ ਲਾਈਸਿਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੋਡਾ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਆ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਓਵਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਆਪਟੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਐੱਚ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੀ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਓਵਮ ਹੈ, ਓਵਮ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਕੋਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਮ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹ ਸਾਈਟ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੀਸੋਡਾ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਪਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਟੋਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਮੋਨੋਸਪਰਮੀ ਨੂੰ ਅਲੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਥਰਡ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਰਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਅਪੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ।
तो उसनों क्या कोन ऑफ रिसेप्शन कहने हैं। जरा सेकेंडरी उस साइड का कोन ऑफ रिसेप्शन है वो ही हेल्प प्ले करता है स्पर्म की एंट्री। हुण बेटा की है स्पर्म जरा कि एंटर कर गया, जो कहता कि स्पर्म ने एंटर किया तो उसके दौरान की है कि जरा स्पर्म जरा न्यूक्लीअस आ दैट इज़ कन्वर्टिड इन टू द मेल प्रो न्यूक्लीय। इस तरीके सेकेंडरी जरा अपने को ओवम है जो ओसाइट है वह न्यूक्लीअस है दैट इज़ कन्वर्टिड इन टू द फीमेल प्रो न्यूक्लीय। दोनों जो कि न्यूक्लीअस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के कि नेड़े आते हैं, दोनों जी आप कहने कि न्यूक्लीयर मैम्ब्रेन ब्रेकडाउन कर दिया है और दोनों जो कि एक दूसरे में जो कि फ्यूज करते हैं। तो सानू पता कि न्यूक्लीअस के अंदर की होंगे ने क्रोमोसोम्स होंगे है जिदे कि मेल तो फीमेल जोड़े कि आ न्यूक्लीअस ने उन्होंने क्रोमोसोम की आपस में क्या मिक्सिंग होंगी है दैट प्रोसैस इज नोन एज द कैरियोगैम। तो जो आप कहने कि स्पर्म की एंट्री होंगी है दोनों के जो न्यूक्लीअस आपस में ज्वाइन करते हैं तो उस मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होंगी है दैट इज नोन एज द कैरियोगैम। जो मिक्सिंग हो जाती है दोनों न्यूक्लीअस आपस में फ्यूज करते हैं दैट कन्वर्टिड इन टू अ डिप्लॉयड सैल, डिप्लॉयड सैल कन्वर्ट हो जाते हैं दैट इज नोन एज द जायगोट। तो उस दौरान कि वीमेन है उसको क्या प्रैगनेंट किया जाता है। नैक्सट आप गल की है कि जायगोट जो कि पेयर अप हो गया, उस तो बाद जो अगला प्रोसैस हैगा क्लीवेज, क्योंकि जायगोट दैट इज़ अ सिंगल न्यूक्लीअस, लेकिन आप जितने भी ह्यूमन बीइंग होंगे ने वी आर द मल्टी न्यूक्लीएटेड जो कि ऑर्गेनिजम है, जिदे करके आप कहने कि एक सिंगल जोड़ा कि सैल आ जायगोट है वो क्लीवेज होनी है जिन्हें कि नंबर ऑफ न्यूक्लीअस के जोड़ा कि कन्वर्ट होना है। तो उस प्रोसैस में असं क्लीवेज कहने जिदे आप कहने रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जायगोट। जायगोट कहना कि कई जी आप कहने माइटोटिक डिवीजन जीडिया की आ रिपीट करता है जिदे कि सिंगल सैल दैट इज कन्वर्टिड इन टू द फर्स्ट 64 सैल के जोड़ा कि कन्वर्ट होंदा है। अपने को डायग्राम दिती है, सब तो पहला है अपने को जायगोट, जायगोट बन गया जिदे आप गल की स्पर्म तो जो कि अपने को ओवम है दोनों के न्यूक्लीअस जोड़े कि आपस में ज्वाइन अप कर गए दैट परफॉर्म द डिप्लॉयड सैल दैट इज नोन एज अ जायगोट। जो 34 आवर्स होंगे ने तो वन जायगोट दैट इज डिवाइडेड इन टू द टू सैल, एक सिंगल सैल की दो सैल डिवाइड होंगे और उन्होंने सैल्स में असं क्या ब्लास्टोमीयर्स कहने हैं। उस तो बाद क्या 3 डेज के दौरान की आ जो दो सैल है 4 सैल जो कि डिवाइड अप होंगे है और इस तो बाद जिहड़ा कि अपने को स्ट्रक्चर परफॉर्म अप हुई है ब्लास्टोमीयर्स की दैट मूव्स टूवर्ड द यूट्रस, उन्हें फैलोपियन ट्यूब तो किया यूटरस यूटरस वाले पास जो कि मूव करना शुरू कर देना है। उस तो बाद बेटा की आ डिवीजन अपीयर अप होंगी है जी कि सिर्फ जो कि यूटरस के अंदर पास ऑन कर जाती है जिदे कि अपने को 4 सैल्स की आ नंबर ऑफ 8 to 16 सैल कन्वर्ट हो जाते हैं और जिस तरीके आप कहने कि मलबरी ट्री के जो आप कहने कि ग्रे गुच्छे होंगे है वो तरह अपीयर अप करते हैं इस करके इसनों की आ मरूला किया जाता है, इनू होलोब्लास्टिक भी किया जाता। होलोब्लास्टिक का मतलब की है एक पूरे का पूरा जायगोट जरा कि डिवाइड कर गया नंबर ऑफ सैल 16 सैल जरा कि डिवाइड अप कर गया दैट इज नोन एज अ होलोब्लास्टिक कंडीशन और वह जो स्ट्रक्चर है उसको क्या मरूला किया जाता है। नैक्सट बेटा ए 16 सैल दैट इज कन्वर्टिड इन टू अ 64 सैल जो कि डिवाइड करते हैं और बिल्कुल एक यूटरस के अंदर चलिया जाता है, यूटरस जी एंड्रोमेट्रियम लेयर हैगी जोड़ा कि जुड़ना शुरू हो जाता है जिदे आप कहने जोड़े कि सैल ने सब तो आउटर मोस्ट जी कि लेयर परफॉर्म अप करते हैं जिन्होंने कि ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं दैट इज़ आलसो नोन एज अ नरिशिंग जी अपने को सैल सैल मैम्ब्रेन है जिन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है और एक साइड के उपर की आ नंबर ऑफ सैल जे एक जगह के उपर इकट्ठे हो जाते हैं दैट इज नोन एज द इनर सैल मास। की मैं कहना मतलब कि जो अपने को मरूला बनया 16 सैल बने से 16 सैल ने 64 सैल जो कि कन्वर्ट हो जाना है जिदे कि दो तरह के सैल बन जाने एक सैल जोड़े कि आ ट्रोफोब्लास्ट परफॉर्म करेंगे एक जो सैल की इनर सैल मास परफॉर्म करेंगे और जो भी आप कहने कि एम्ब्रियो बनना है वह कितों बनना है इनर सैल
मास तो बनना है। इस करके एम्ब्रियोनिक पोल कहा जाता है। जो भी आप कहने इम्प्लांटेशन होनी है वो कितने होनी है, इनर सैल मास वाली साइड के उपर होनी हैगी है यूट्रस के अंदर। इस करके इनू एम्ब्रियोनिक पोल कहा जाता है। और दोस्तों अपोजिट साइड है दैट इज नोन एज द एम एम्ब्रियोनिक पोल। और नाल दी नाल बेटा की है दैट कंडीशन इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि ये सील परफॉर्म अप होगी, सेंटर के कैविटी अपीयर अप होगी है जिन्हों की ब्लास्टो सील किया जाता है। और इस स्ट्रक्चर की ब्लास्टो किया जाता है जिहड़े बेटा अपने को इनर सैल है आ जो ट्रोफोब्लास्ट सैल है जिहड़े कहिंदा इनर सैल जिहड़े हैगे ने मास है ज्वाइन अप करता दैट इज नोन एज द रॉबर ऑफ सैल्स, उसनों रॉबर ऑफ सैल्स कहा जाता है। अपने को दिखाई हुई है जोना पैलिसोडल है डीजनरेटिंग, यह उन्नी देर तक हार्डन रहती हैगी है जिनी देर तक कहना कि जरा कि अपने को ब्लास्टोसिस्ट है वह कि मदर के यूट्रस के नाल क्या इम्पलांट नहीं कर जाता। यदा मतलब क्या, एक तो जोना पैलिसोडल लेयर की पॉलीस्पॉमी प्रिवेंट करती हैगी, दूसरा की करती हैगी किसी भी अबनॉर्मल साइट के उपर जो आप कहने कि इम्पलांटेन ना हो उसनों की प्रिवेंट करती है। जो कि रियल साइड के उपर जाके कि इम्पलांटेन होंगी है तो जोना पैलिसोडल लेयर जी कि ब्रेकडाउन करना शुरू कर देती हैगी, तो इस प्रोसैस में असी कि ब्लास्टोसिस्ट फॉरमेशन का नाम भी देने। थैंक यू।